हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक गुप्ता, जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि विभाजन के नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम या विभाजन के नियम, जैसे ही बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजन। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी या नहीं। कोई भी संख्या हमारे सामने है, ठीक है, वो दो अंकों की हो सकती है, तीन अंकों की हो सकती है, कितने भी अंकों की कोई संख्या दी हुई होती है, वो किसी पर्टिकुलर संख्या से विभाजित होगी कि नहीं, वो एक्स से विभाजित होगी या नहीं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल इसका आता है विभाजन के नियम में कि कोई संख्या दो से कब विभाजित होगी। ठीक है, कोई संख्या दो से कब विभाजित होगी, ये पहला रूल है। हालांकि बहुत बेसिक रूल है ये, इसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसे। तो दो से विभाजन का नियम कहता है कि कोई संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब उसके यूनिट प्लेस में, उस संख्या के यूनिट प्लेस में या इकाई अंक में जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो या आठ हो। ठीक है, कोई संख्या दो से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके इकाई में जीरो हो या दो हो या चार हो या छह हो या आठ हो। अगर और कोई संख्या या और कोई अंक वहां पर दिखाई देता है तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल टू थ्री वन, तो इसके यूनिट प्लेस में वन है, इसलिए ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगर इस टू थ्री वन के स्थान पर टू थ्री टू होता, यूनिट प्लेस में यहां पर टू है, तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से दो से विभाजित होगी। ठीक है, तो दो से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, वो संख्या क्या होगी, दो से विभाजित होगी, पहला रूल। दूसरा, कोई संख्या पांच से कब विभाजित होगी। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं इसलिए इसको हम पहले देख रहे हैं। कोई संख्या पांच से तब विभाजित होगी जब उसके यूनिट प्लेस में या तो जीरो हो या पांच हो। ठीक है, जीरो या पांच अगर उसके यूनिट प्लेस में है तो वो संख्या पांच से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पांच से कोई संख्या तब भाग जाएगी जब यूनिट प्लेस में जीरो होना चाहिए या पांच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने टू थ्री फाइव नाइन है तो ये संख्या पांच से विभाजित नहीं होगी क्योंकि जीरो और पांच नहीं है। अगर यहां पर ऐसा होता टू थ्री फाइव जीरो, अब ये संख्या क्या होगी, पांच से पूरी तरह विभाजित होगी। मतलब पूरी तरह विभाजित होने का मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल क्या होगा, जीरो आएगा। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई में जीरो हो या पांच हो, वो संख्या पांच से विभाजित होती है। ठीक है, रूल नंबर टू। रूल नंबर तीसरा और चौथा एक जैसा है। यहां पर हम देखेंगे तीन से विभाज्यता का नियम और यहां पर हम देखेंगे नौ से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या तीन से और नौ से कब विभाजित होगी। ठीक है, तो तीन से विभाजित करने के लिए किसी संख्या को हम क्या करेंगे, कोई भी दी गई संख्या हो, जैसे हमारे सामने एक संख्या है 63945, ये हमारे सामने एक संख्या है 63945। ठीक है, ये संख्या तीन से या नौ से विभाजित होगी या नहीं, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। सभी अंकों को आपस में क्या करें, जोड़ दें। जैसे यहां पे 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 4 22 और 22 5 27, इनके सभी अंकों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, जोड़ने में 27 आ रहा है और फिर इसको जोड़ दीजिए, 7 2 9 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, ऐसा तब तक आप कर सकते हो जब तक लास्ट में एक अंक वाली संख्या नहीं आ जाती। अब देखिए 9 3 से विभाजित होता है,
अब कोर्स तीन के पहाड़ा में नौ आता है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह और तीन दिया नौ, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, तीन से विभाजित होगी और ये संख्या नौ से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये जो नौ आया या सत्ताईस आया ये नौ के पहाड़े में आता है, मतलब नौ से विभाजित होता है। तो ये 63945 जो संख्या है वो तीन से भी विभाजित होगी और नौ से भी विभाजित होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये संख्या होती 6394, ठीक है, और यहां पर होता 8, इसको अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 639, 9 और 9 18, 18 4 22 और 22 और 8 30, और 3 और 0 को फिर से जोड़ देंगे तो हम कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 63948 जो है ये तीन से तो विभाजित होगा लेकिन नौ से विभाजित नहीं होगा। नौ से विभाजित इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंकों का जो योग है, अंकों का योग कितना है, 30 है या 3 है, ये नौ से विभाजित नहीं हो रहा है। नौ से विभाजित ना होने के कारण ये संख्या क्या होगी, नौ से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो तीन और नौ की विभाज्यता का नियम लगभग समान है, एक जैसा है, थोड़ा सा बस अंतर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, चार और आठ का रूल देखेंगे। अगला है पांचवा नंबर, चार का नियम, और छठवा है आठ का नियम। कोई संख्या चार से विभाजित कब होगी और कोई संख्या आठ से विभाजित कब होगी, इसका हम नियम देखते हैं, ठीक है। चार से विभाजित होने के लिए हम किसी संख्या का अंतिम दो अंक देखते हैं, बस अंतिम दो अंक, मतलब इकाई और दहाई का, इकाई और दहाई का, ठीक है। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, 978108 ये हमारे सामने एक संख्या है, 978108। तो इस पूरी संख्या से हमको डिवाइड नहीं करना है, आप लास्ट का जो दो क्या है अंक है, अंतिम दो अंक अगर चार से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, चार से विभाजित होगी। चार से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या का जो अंतिम दो अंक है अगर वो चार से विभाजित होता है तो पूरी संख्या क्या होगी, चार से विभाजित होगी। तो देखो 08 चार से विभाजित होता है, अफकोर्स चार दुनी आठ हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, चार से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है। यहां पर एक बात और समझिए, चार से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, देखो 04 हो जाएगा, 08 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अगर लास्ट में कुछ ऐसा आपको दिखता है कि 04 हो, 08 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, 24 हो, ठीक है, जो चार के पहाड़े में आता है, 44 भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे संख्या अगर आपको दिखते हैं मतलब वो क्या होगा, चार से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो चार से विभाज्यता के नियम के लिए या चार से विभाजन के जांच के लिए हम किसे देखेंगे, अंतिम दो अंक को देखेंगे, इकाई और दहाई को। किसको देखेंगे, इकाई और दहाई को। और इकाई और दहाई को मिलाने से अगर वो संख्या चार से विभाजित होती है तो वो संख्या क्या होगी, आठ से भी विभाजित होगी, ठीक है। इसी प्रकार आठ का नियम है, बस एक थोड़ा सा अंतर है कि यहां पर आपको अंतिम तीन अंक देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, अंतिम तीन अंक, मतलब आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को मिलाने से अगर वो संख्या आठ से विभाजित होती है मतलब पूरी संख्या क्या होगी, आठ से विभाजित होगी। देखिए इसी संख्या में हम चेक कर लेते हैं, सॉरी 978108, ठीक है, तो इसका अंतिम तीन अंक लेंगे हम। अगर ये अंतिम तीन अंक आठ से पूरी तरह विभाजित हो जाए
तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। देख लेते हैं, देखिए 10 को भाग देंगे अगर 8 से, तो 8 एकम 8, यहां पे क्या बच गया, 2 से इस बचा, 2 और 8 28 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाता है, इसे हम तीन बार पढ़ा पढ़ेंगे, 8 तिया 24, 4 से इस बच गया, मतलब 108 जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम एक और संख्या ले लेते हैं इसको और बेहतर समझने के लिए, 6795104, ठीक है। तो यहां पर अंतिम तीन संख्या हम चेक कर लेते हैं, क्या 104 8 से विभाजित होगा, देखिए 8 एकम 8 हो गया, 2 से इस बचा, 2 और 4 24 हो गया, 8 तिया 24, अब ये जो अंतिम तीन संख्या है पूरी तरह क्या हो गया, 8 से विभाजित हो गया, शेष फल कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। समझ रहे हो, इतनी बात समझ में आई, अंतिम तीन अंक हमको देखना है बस। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहां पर आप समझ पाएंगे कि विभाज्यता के नियम से प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे हम उसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 और 8 का रूल हो गया। अब देखिए 11 से विभाजित होने का नियम, अगला हम देख रहे हैं 11 से विभाजित होने का नियम, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी। ठीक है, जनरली ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो 11 वाले ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको याद रखना है कि कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, जब उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, यहां पर भी अंकों का योग निकालना है, विषम स्थानों के अंकों का योग, अब इसको हम समझेंगे, पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आता है या 11 आता है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, मतलब क्या करना है, जो भी संख्या दी गई होगी उसमें अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ना है और घटा देना है, घटाने पे अगर 0 आता है या 11 आता है तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे इसे, 2369706 अगर एक संख्या है तो हम कैसे पता करेंगे कि 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो आप दो चीजें यहां पर कर सकते हैं, एक तो आप 11 से भाग देके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं, लेकिन अगर हम इसको इस रूल से समझें तो देखिए क्या होगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो संख्या है अल्टरनेट, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2+6+7+6-, ठीक है, अब जो बच गया उसको जोड़ देंगे, 3+9+0+9, 3+9+0+9, ठीक है, अब इसको हल करेंगे अगर अपन, तो ये हो जाएगा 2, 6, 2, 8, 8, 7, 15, 15 और 6, 21, माइनस, ठीक है, 9 और 3, 12, 12 और 9, 21, तो 21 माइनस 21 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मतलब ये जो दी गई संख्या है वो क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। क्लियर है, वैसे ही हम एक और एग्जांपल अगर ले लें, एक संख्या है हमारे सामने 938245, ठीक है, 938245, तो यहां पर भी हम अल्टरनेट जोड़ लेंगे, देखिए 9, 8, 4 इसको जोड़ेंगे, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 4, 21, माइनस 3 और 2, 5 और 5, 10, ठीक है, तो 21 में से 10 गया कितना आ जाएगा, 11, मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी।
938245 क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। अगर मान लीजिए यहां पर ऐसी संख्या होती 938244, ठीक है, अब ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं, ठीक है, तो देखिए यहां पर अल्टरनेट अगर हम इसको जोड़ लें 98 और 4 को, तो यहां पर तो 21 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 4 9, तो 21 में से अगर हम 9 घटाएं तो आ गया 12, और आना क्या चाहिए 0 या 11, तो 12 आया यहां पर अंतर, इसलिए ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये था 11 से विभाज्यता का नियम। एक और रूल हम समझ लेते हैं जो कि एक अच्छा रूल है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है 6 से विभाजित होने का नियम, ठीक है, वो क्या है 6 से विभाजित होने का नियम। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, ठीक है, आपको याद रखना है कोई भी दी गई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई संख्या ले लें 12, हमें पता है कि 12 जो है वो 6 के पहाड़े में आता है, ठीक है, ये इजी है। तो क्या देखिए 12 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, जी हाँ, आप 2 से भाग देंगे तो भी पूरी तरह जाएगा 2 6 12, आप 3 से विभाजित करेंगे तो भी ये पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है, 3 4 12, ठीक है। एक्चुअली में 6 से विभाजित करने के नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर एक नई बात इंपॉर्टेंट है, वो है आपका को प्राइम नंबर्स। वो क्या है, को प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इस रूल को समझना जरूरी है, ठीक है। यहां पर एक बात समझिए कि को प्राइम्स का मतलब होता है सह अभाज्य हिंदी में, ठीक है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होता है, ठीक है, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा होता है जिसका HCF, जिसका महत्तम समापवर्तक एक होता है, जैसे 2 और 3, एक ऐसा जोड़ा है जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। देखिए HCF इसका 1 है, 2 और 3 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब HCF कैसे निकालते हैं अगर आपको ये नहीं मालूम है तो वो मैं LCM HCF के चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर कोई संख्या आपस में नहीं कटती है तो उसका HCF 1 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मान ले 2 और 4 ले लेते हैं, तो ये 2 और 4 जो है ये सह अभाज्य नहीं है, ठीक है, ये क्या है, सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका HCF जो होगा वो 2 होगा, 1 नहीं होगा, ये आपस में कट जाएंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपस में क्या होगा, ये संख्याएं कट गई, इसलिए क्या है, ये सह अभाज्य नहीं है, ठीक है। 2 3 सह अभाज्य है, 3 5 भी सह अभाज्य है, 6 और 7 भी सह अभाज्य है, ठीक है, आपका 9 और 11 भी सह अभाज्य है। तो जो आपस में नहीं कटते हैं और जिनका HCF 1 होता है वो क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगे, ठीक है। अब यहां पर विभाज्यता का नियम है कि कोई सह अभाज्य संख्या है जैसे 2 और 3, ठीक है, तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वो 2 × 3 से भी विभाजित होगी, मतलब 6 से भी विभाजित होगी। कोई संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है तो वो उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी, मतलब 6 से भी विभाजित होगी। कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो 15 से भी विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, 15 से भी विभाजित होगा। ये को प्राइम्स नंबर का क्या है, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब यहां पर प्राइम नंबर आ गया है तो मैं आपको प्राइम नंबर क्या होता है ये भी बता देता हूं। देखिए संख्याओं के प्रकार में एक होता है प्राइम नंबर,
अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती, ठीक है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाजित होती है या खुद से विभाजित होती है और किसी से भाग उसका नहीं जाता, या जिसके मात्र दो मल्टीपल होते हैं या दो गुणनखंड होते हैं। और वो दो गुणनखंड कौन से होंगे? या तो एक होगा पहला और दूसरा खुद होगा वो स्वयं। ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे दो, देखिए दो जो है वो एक से विभाजित होता है और दो से विभाजित होता है, बस एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, इसलिए दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तीन, एक से और तीन से, ठीक है। जैसे चार, चार जो है वो एक से विभाजित होगा, दो से भी होगा, चार से भी होगा, इसलिए चार अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन है? पांच, ठीक है। फिर सात है, फिर ग्यारह होता है, फिर तेरह, फिर सत्रह, फिर उन्नीस, फिर तेईस, ठीक है। देखिए यहां पर दो है, तीन पांच, उसके बाद सात ग्यारह तेरह, उसके बाद सत्रह उन्नीस तेईस। तो एक से पच्चीस तक की गिनती में कुल नौ अभाज्य संख्याएं होती हैं। टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? नौ अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद अगर हम अभाज्य संख्या निकालें तो एक होता है 29, 31 और 37। 29 किसी से विभाग नहीं जाएगा, एक से बच जाएगा और 29 से जाएगा, इसलिए क्या है ये? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ठीक है। एक से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 9 यहां तक हो गया 25 तक, और अगले 25 में 6 और हैं, तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है 25। 1 से 100 तक की गिनती में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बेसिक बात है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे सामने दो प्रश्न हैं, एक स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, कि जो दी गई संख्या है ये पूरी तरह तीन से विभाजित हो। दूसरा उसी प्रकार का प्रश्न है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि ये जो दी गई संख्या है पूरी तरह नौ से विभाजित। कभी भी ऐसे प्रश्न होंगे अगर आपके सामने, तो आप याद करें कि तीन और नौ के विभाज्यता का नियम में क्या करते हैं अपन। हम क्या करते हैं? तीन और नौ के विभाज्यता के नियम में संख्याओं के अंकों का योग निकालते हैं। जैसे यहां पर संख्या है 1, 5, 7, *, 2, 3, 4, हम इसको प्लस कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे। 1+5+7+*+2+3+4=what? इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 4 22, तो यहां पर 22 आ गया। यहां पर *= कितना आ गया? *+this=, क्या आ गया? 22, ठीक है। तो ये जो 22 आया, यहां पर जो क्या दिख रहा है हमको, 22 दिख रहा है, इसकी जगह में क्या आएगा स्टार की जगह, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो यहां पर हमें देखना है कि भाई तीन से विभाजित होना चाहिए स्टार का, हमको छोटे से छोटा मान निकालना है,
कि ये जो संख्या है तीन से विभाजित हो। तो 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो तीन से विभाजित होती है? ठीक है, तो 22 के बाद आपका क्या आता है? 24 आता है। तो इसको जोड़ने से 24 आना चाहिए। तो यहां पे क्या पुट करें? अगर स्टार की जगह में हम दो पुट कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अवयोग कितना हो जाएगा? 24। अवयोग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और जो 24 है मतलब 4 2 6, ये 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब स्टार का मान कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? वैसे ही अगला प्रश्न है कि 6735 स्टार 1 पूरी तरह 9 से विभाजित होगी, तो आपको स्टार का मान निकालना है। यहां पे भी हम योग कर लेंगे, 6 + 7 + 3 + 5 + *+1। इसको जोड़ने से क्या आएगा? देखिए 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। तो हमारे पास आ गया 22 + *। ठीक है, समझ रहे हैं? या इसे हम लिख सकते हैं 2 + 2 भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 + *। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि ये 4 + *, 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 9 होती है। तो यहां पर अगर हम स्टार की जगह क्या करें? 5 रख दें, तो ये 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये संख्या क्या हो जाएगी? 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? स्टार इज इक्वल टू आ गया 5। यहां पर स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया था? 2 आ गया। समझ रहे हैं? तो आपको कैसे करना है? इन प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 3 प्रश्न और हैं। पहला जो 8 से रिलेटेड है, दूसरा 11 से रिलेटेड है और तीसरा भी 11 से रिलेटेड है। तो 8 के विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि भी हम क्या करते हैं, संख्या का अंतिम 3 अंक देखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है हमारे सामने 9 2 6 7 5 * 2, पूर्णतया 8 से विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा? हमें पता है कि जो दी गई संख्या 8 से विभाजित होती है, तो हमें स्टार का मान निकालना है। हमें क्या करना है? 5 * 2 को लेना है और यहां पर देख लेना है कि स्टार का मान क्या होगा। तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है? स्टार का छोटे छोटा मान 0 हो सकता है। आप यहाँ पे 0 रखिए तो ये हो जाएगा आपका 502। और देखिए कि 8 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 8 से अगर हम इसे भाग दें तो 8 * 6 = 48 हो जाएगा। 2 बज गया, 2 और 2 मिलके 22 हो गया। तो 22 जो है वो 8 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 502 जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम 1 रखें तो ये हो जाएगा 512। अब अगर हम भाग करके देखें तो ये हो जाएगा 8 * 6 = 48। 3 बचा, 3 और 2 = 32 हो गया, 8 * 4 = 32। मतलब ये 512 जो है पूरी तरह क्या हो रहा है? 8 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और ये जो संख्या है वो 8 से विभाजित होती है, इसलिए स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आप स्टार की जगह उन्हीं संख्याओं को लीजिए, ठीक है, जो ऑप्शन में सबसे छोटा हो और ऑप्शन में हो। तो ऑप्शन देख के आप इसका आंसर निकालेंगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहां पर मैं और भी कुछ रखूं 1 के अलावा तो भी हो सकता है वो क्या हो? 8 से विभाजित हो, लेकिन हमें छोटे से छोटा मान निकालना है। अगर 1 ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और होगा जो क्या होगा? ये पूरी तरह विभाजित होगा 8 से। क्लियर है? आपको बस रूल याद रखना है। अगला है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि ये जो संख्या दी हुई है ये पूरी तरह 11 से विभाजित हो। तो 11 से विभाजित होने का रूल क्या है? हम अल्टरनेटिव नंबर्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देख लीजिए यहां पर हम किसको जोड़ेंगे? 7 * 9 और 5 को। तो 7 + *+9 + 5 और माइनस करेंगे क्या जो बच गया? बचा क्या? 8 + 3 + 4।
ठीक है, यही बच गया। तो हमने क्या किया, 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5 को लिया, अल्टरनेट को लिया, पहले स्थान पर जो है, फिर तीसरे स्थान पर जो है, फिर पांचवें स्थान पर है जो, फिर सातवें स्थान पर। विषम संख्याओं के अंकों का योग माइनस सम संख्याओं के अंकों का योग, इसको जोड़ देंगे अगर तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 और 7 16, 16 और 5 21 आ जाएगा, 21 प्लस स्टार आ गया यहाँ पे, माइनस 8 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया 15। इसको और सॉल्व करेंगे तो इस 21 में से 15 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, स्टार प्लस 6 बच गया। ठीक है, अब क्या आना चाहिए, इनका जो हल है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 0 या क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि ये स्टार प्लस 6 क्या हो जाए, 11 हो जाए, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस, सॉरी 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम यहां पर स्टार की जगह 5 रख दें तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो स्टार का मान यहां पे क्या आ गया, स्टार का मान आ गया 5, यहां पे 1 आया था, यहां पे 5 आ गया। अगला क्वेश्चन है, स्टार का, स्टार यदि 738 स्टार 6 स्टार, सॉरी यहां पे ये स्टार जो है ये नहीं है प्रश्न में, यदि ये संख्या है 738 स्टार 6 स्टार 11 से भाज्य है, मतलब ये जो संख्या दी हुई है वो 11 से भाग उसका चला जाता है, तो आपको स्टार का मान बताना है कि स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, स्टार का मान क्या होगा बताना है। तो यहां पर देखिए, अब संख्या जो दी हुई है उसमें 2 स्टार है और ऑलरेडी बता चुका है कि वो संख्या 11 से भाग जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम अल्टरनेट को फिर जोड़ लेते हैं, 7, 8 और 6 को पहले जोड़ लीजिए, 7 प्लस 8 प्लस 6 माइनस, अब जो बच गया 3 प्लस स्टार प्लस स्टार इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू आना चाहिए 0, या क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। तो हम पहले 0 के कंडीशन में देख लेते हैं, इसको प्लस करते हैं, देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होगा, 21 होगा, होगा माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 स्टार हो जाएगा, स्टार और स्टार को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्टार इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 21 माइनस 3 अगर हम करें तो 21 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा, आ जाएगा 18, है ना, 21 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ गया, 18 आ गया। अब 18 को क्या करेंगे, इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो हमारा 2 स्टार इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 माइनस 18 आएगा क्योंकि इधर 0 है, इस 18 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, हालांकि साइन यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 स्टार इज इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया, तो स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 दो नियम 18, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, स्टार का मान कितना होगा, 9 होगा, तो अगर यहां पर हम 9 रखें, ठीक है, तो वो क्या होगा, संख्या जो होगी वो 11 से विभाजित होगी और वही स्टार का मान है, तो हमने यहाँ पर स्टार का मान निकाल लिया। ठीक है, आज के लिए हम लास्ट 2 प्रश्न और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे गए हैं, उसे हम देखने वाले हैं। आज के 2 प्रश्न और हैं, लास्ट पहला और दूसरा, दोनों का आंसर सेम है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या के
वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? दो क्रमागत विषम पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक एक प्रकार का संख्या है, विषम संख्या को ही विषम पूर्णांक हम बोल सकते हैं। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है, ये हमें बताना है। तो विषम पूर्णांक क्रमागत बोल रहा है, मतलब लगातार, जैसे एक और तीन, ठीक है, जैसे तीन और पांच, जैसे पांच और सात, जैसे सात और नौ, ये क्या है? क्रमागत विषम पूर्णांक है। इनके वर्गों का अंतर किससे विभाजित होगा ये हमको बताना है। तो देखिए इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, ये हो जाएगा सेवन स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, ये हो जाएगा नाइन स्क्वायर माइनस सेवन स्क्वायर, ठीक है, ऐसे और आप आगे भी ले सकते हैं। तो थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन, और वन का स्क्वायर वन ही होगा। फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, और थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन होगा। सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, नाइन का स्क्वायर एटी वन, और सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन। अब इसको हाँ घटा लेते हैं, तो नाइन माइनस वन मतलब एट, ट्वेंटी फाइव नाइन माइनस नाइन मतलब सिक्सटीन, फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव मतलब आप घटा ली, नौ में से पाँच गया चार, और चार में से दो गया दो, चौबीस आएगा। एटी वन माइनस फोर्टी नाइन करेंगे तो यहाँ पर थर्टी टू आ जाएगा। अब देखिए आठ किससे विभाजित होगा, आठ से। सोलह किससे विभाजित होगा, आठ से। चौबीस किससे विभाजित होगा, आठ से। बत्तीस भी किससे विभाजित हो रहा है, आठ से। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आठ आएगा, ठीक है। तो विषम, जो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं, उनके संख्या के वर्गों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा आठ से विभाजित होता है, ठीक है। इसी प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके में यहां पर पूछा गया है, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है इसे आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं अगर आता है पूर्णांक, तो पूर्णांक का इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो आई जो होता है वो ऐसी संख्याओं का सेट है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है और जीरो से पीछे माइनस में भी कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। तो यहां पर बोल रहा है m तथा n धनात्मक पूर्णांक को और m माइनस n एक सम संख्या हो। आप याद रखेंगे विषम संख्याओं का जो अंतर होता है वो एक सम संख्या होता है। जैसे देखिए विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमने निकाला, क्या आया, सब सम संख्या आ रही है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा, तो यहां पर देखिए वही एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है ये हमेशा किससे विभाजित होगा, आठ से। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, आठ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए है ना, जो ऑलरेडी आप देखेंगे अगर मैथ्स आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको जरूरत नहीं है ये सब वीडियोस देखने की, आप अपने आप ही बहुत अच्छा मैथ्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक है, अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर आप मैथ से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, तो आपके लिए ये बहुत क्या होगा, प्रॉफिटेबल है। तो आप इसे देखिए, थैंक यू सो मच।